संतोष ट्रॉफी के झारखंड से चयनित फुटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत शुक्रवार को नया परिषदन भवन में किया गया। इस दौरान झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने सभी खिलाड़ियों को गुलाब फूल देकर संतोष ट्रॉफी मैच के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को गिरिडीह रेलवे स्टेशन से मधुपुर के लिए रवाना किया गया। इस बाबत संजय सिंह ने बताया कि गिरिडीह के लिए गौरव की बात है कि इस टीम में गिरिडीह से भी एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि खेल के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हुए झारखंड जिले का और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। एसोसिएशन के गुलाम रब्बानी ने बताया कि अलग अलग जिलों से खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए गिरिडीह पहुंचे और यहाँ सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर मधुपुर के लिए रवाना किया गया। वहाँ से सभी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश जाएंगे जहाँ संतोष ट्रॉफी मैच खेलेंगे। बताया गया कि इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। झारखंड के टीमों का पहला मैच 8 अक्टूबर को तमिलनाडु के साथ होगी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की कामना की। मौके पर गिरिडीह फुटबॉल संगठन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नूरुल हुदा, वार्ड नंबर 24 के पार्षद सबाना परवीन ने भी खिलाड़ियों की सफलता और बेहतर खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। झारखंड फुटबॉल का सीनियर मेन टीम यानी संतोष ट्रॉफी के लिए टीम रवाना हो रही है। ये ग्रुप सी का मैच खेलेगी जिसमें 6 टीमें हैं, जिसमें तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, चंडीगढ़ और हिमाचल है। पहला मैच ये तमिलनाडु से 8 तारीख को खेलने चलेगी। आज ये टीम हम सफर एक्सप्रेस से मधुपुर से रवाना होगी नोएडा के लिए। मैच नोएडा में हो रही है उत्तर प्रदेश, और ये 17 तारीख तक हमें आखिरी मैच में मणिपुर के साथ खेलना है। वो 17 अक्टूबर को खेलेगी और फिर ये 18 अक्टूबर को वापस आएगी। क्वालिफाइंग के बाद ये टीम फिर आगे के लिए खेलने के लिए जाएगी। इसका अभी कोई वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, जैसे भी कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहां अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयां यहां मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं, कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोड़ो। यहां दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। निसंतान दंपति निराश ना हो, धनबाद की प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता दास प्रत्येक शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने मरीजों को देखती हैं। इनके द्वारा बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन द्वारा जांच व इलाज के साथ साथ अन्य स्त्री रोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, कुष्ठ, गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।